हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। तो आपने अभी तक पहचाना ही होगा कि आज कौन सी रेसिपी हम बनाने वाले हैं। हाँ, तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट आलू की चिप्स। तो ये चिप्स बनाना बहुत ही आसान है और आप घर पे आसानी से इसको बना सकते हो। तो इस इंस्टेंट आलू की चिप्स को आप घर पे एक बार ज़रूर बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आलू की चिप्स बनाने के लिए मैंने लिया है 4 आलू और इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। तो एक बर्तन में हमें पानी लेना है, आलू को छील के हमें इस पानी में डालना है। तो आलू को हम पहले छील लेंगे, इसके ऊपर का छिलका हम निकाल देंगे। आलू को भी मैंने पहले पानी से धोया था। आलू के ऊपर का छिलका निकाल के हम इस पानी में डालेंगे तो इससे आलू काले नहीं पड़ते। यहाँ पे मैंने आलू को पानी में डाला है धो के। तो इस चिप्स मेकर से हम चिप्स बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से भी हम चिप्स बना सकते हैं। तो एक एक आलू को हम पहले चिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सावधानी से आपको चिप्स बनाना है। इस चिप्स मेकर से बहुत ही पतले और अच्छे चिप्स बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने पतले बने हैं। तो इस तरह से हमें पूरे आलू के चिप्स बनाना है। तो इसी तरह हम बाकी के आलू की भी चिप्स बना लेंगे। यहाँ मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो चाहे तो आप ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पे हमने आलू की चिप्स बना लिए है। तो एक बर्तन में हमें पानी लेना है और ऐसे इस चिप्स को हमें पानी में डालना है और अच्छे से धो लेना है इसको। इससे चिप्स आपके काले नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे हमने एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है तो चिप्स को हमें इस कपड़े के ऊपर बिछा देना है। इससे चिप्स का जो पानी है वो निकल जाएगा। चिप्स को हमने पानी से धोया है तो देख सकते हैं कि चिप्स कितने सफ़ेद हो चुके हैं। तो इसी तरह हमें चिप्स को सफ़ेदी चाहिए हमें। तो बाकी के चिप्स भी हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो चिप्स को पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, इससे चिप्स आपके काले नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। चिप्स को हमने कपड़े के ऊपर बिछा दिया है तो इस अच्छे से सूखने के बाद ही इसको हमें तेल में तलना है। तो चिप्स को ऐसे एक एक करके हमें बिछा देना है ताकि इसका पानी निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है तो यहाँ पे हमारा तेल धुआंदार गरम होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे चिप्स तलने को। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो तेल में हमें चिप्स को ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ। चिप्स को हमें अच्छे से तेल में तलना है ताकि अच्छे से कुरकुरे हो जाए।
तो यहाँ पे हमारे चिप्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जिसके आप देख सकते हैं। चिप्स को हमें अच्छे से कुरकुरा बनाना है। तो चिप्स हमारे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसको अब तेल से निकाल देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो इस तरह से हम बाकी के चिप्स भी तेल में तल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि चिप्स को हमें कुरकुरा होने तक तलना है। अगर उससे पहले आप चिप्स को तेल से निकाल देंगे तो ये चिप्स कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो देखा आपने चिप्स बनाना घर में कितना आसान है, तो आप इसको घर पे जरूर बनाइए। और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चिप्स को तेल में तलना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अगर उससे पहले आप चिप्स को तेल से निकाल देंगे तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। चिप्स को हम तेल से निकाल देंगे। ये चिप्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो पहले चेक करना है कि ये चिप्स अच्छे से कुरकुरे बने हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे चिप्स अच्छे से तल चुके हैं, तो इसको हम अब तेल से निकाल देंगे। इस तरह हम बाकी के आलू के चिप्स को भी तल लेंगे। तो इस चिप्स का टेस्ट मार्केट जैसा ही आता है, आप घर पे ज़रूर बनाइए। चिप्स को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब हम इसको तेल से निकाल देंगे। बाकी के आलू के चिप्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे चिप्स तलकर तैयार है, तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है, जैसे मार्केट में चिप्स मिलते हैं वैसे दिख रहा है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे नमक, चाहे तो आप इसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये चिप्स अब बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो ये चिप्स बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आप इसको घर पे ज़रूर आसानी से बना सकते हैं। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही परफेक्ट है। ये आलू चिप्स घर में बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। तो उम्मीद करती हूँ ये इंस्टेंट आलू की चिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो हमेशा की तरह आज की ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।